जो अपर क्लास के लोग हैं, जो शुरू से गरीबों को शोषण करते आए हैं, वो बाबा साहेब को जो है नीच भावना से देखते हैं। बिहार मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, बिहार में पता है ना आपको? नहीं, हाथ दावा से बोल रहे हैं तो कैसे तेजस्वी को छोड़ के दूसरा कोई बन जाएंगे? मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, कहाँ से वो बीजेपी बनेगा? जो बीजेपी का यहाँ सर दिखाई नहीं दे रहा है। चिराग पासवान के कौन है वो? चिराग पासवान क्या है, आपके नेता है ना? हम लोग के नेता रहते थे, यहाँ पहुँचते नहीं। पासवान समुदाय के नेता है, दलित समुदाय के समुदाय है, लेकिन यहाँ पहुँचने का काम आपके लोगों के सामने अगर चिराग पासवान के नाम बारे में कुछ कह देंगे ना, लोग गोली मार देंगे आपके, पता है? इस वक्त हमारी मौजूदगी नौबतपुर में है, पटना के नौबतपुर में, जहाँ पे कुछ दिन पहले 13 मई से 17 मई तक धीरेन्द्र शास्त्री का प्रोग्राम चल रहा था। प्रोग्राम के अंतिम दिन नौबतपुर के सरासत में ही बाबा भीमराव अंबेडकर का मूर्ति तोड़ दिया गया आधी रात को अंधेरे में। यहाँ पे मिलने के लिए CPIML के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी आए हुए थे, उनके साथ और कई सारे विधायक लोग आए हुए थे CPIML के। हमारे कुछ साथ कुछ लोग बात करने के लिए हैं जो ग्रामीण हैं, यहाँ से बातचीत करते हैं और जानते हैं आखिर कौन सामाजिक तत्व है जिन्होंने बाबा साहेब की मूर्ति से इतना चिढ़ मची हुई है, आखिर बाबा साहेब की मूर्ति क्यों तोड़ रहे हैं। आखिर नौबतपुर की बात नहीं है, मसरक में तोड़ा गया, छपरा में तोड़ा गया, कई जगहों पर बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ी जा रही है, तो इससे जानते हैं, इनकी राय जानते हैं। क्या है, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम प्रमोद यादव हुआ। सरासत से ही है? नहीं, सरासत के नहीं, हम धनरुआ प्रखंड के हैं। धनरुआ प्रखंड के हैं, हाँ। मसौड़ी में हाँ, मूर्ति को तोड़ दिया गया था बाबा साहब का जी। मतलब कौन लोग हैं वो? मूर्ति को तोड़ने का काम वही करेगा जो बाबा साहेब के विचारधारा से अलग रहेगा, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों को बांटने का काम करेगा, जो मंदिर और मस्जिद की बात करेगा, समझे? उन्होंने सब कुछ दिया, सब कुछ, संविधान दिया, उसमें बराबरी का हिस्सेदारी दिया, उसमें सब कुछ दिया, उन्हीं की मूर्ति को बार बार तोड़ी जा रही है, ऐसा क्यों? इसलिए कि इनके विचारधारा को लोग समझ नहीं रहे हैं। ये हर लोग को, छोटे से लेकर बड़े तक, सबको संविधान में बराबरी के अधिकार दिए हैं, लेकिन जो अपर क्लास के लोग हैं, जो अपर क्लास के लोग हैं, जो शुरू से गरीबों को शोषण करते आए हैं, वो बाबा साहेब को जो है नीच भावना से देखते हैं, बाबा साहेब के विचार को नीच भावना से देखते हैं, इसीलिए उन्होंने उनको देखने, मूर्ति को देखने का पसंद नहीं करते हैं, उनके नजरिया में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो तोड़ देते हैं। नाम क्या हुआ? बंसी साव नाम है। बंसी साव, हाँ। हाथ में क्या लिए हैं? हाथ में झंडे लिए हैं। किसका झंडा लिए हाथ में? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का। कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा है? बाबा साहेब का। बाबा साहेब का है। आँख से दिखाई देता है आपके? लग रहा है आँख फिलहाल बना है आपका। हाँ, आँख बना। अच्छा, इसलिए। अच्छा, ये बताइए बाबा साहब की मूर्ति को क्यों तोड़ी जा रही है बार बार? विद्रोह से लोग तोड़ते हैं। विद्रोह से? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कैलाश कुमार हुआ। कैलाश कुमार यहीं के हैं? नहीं, हम मोरियामा से हैं। अच्छा, भीम आर्मी का जिला प्रभारी पटना जी। हाँ, आर्मी का लग रहा है। पटना जिला प्रभारी हम हैं, भीम आर्मी जिला प्रभारी, भीम आर्मी के। अच्छा, आप लोग किस चीज़ के प्रभारी हैं जो कि बार बार बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ी जा रही है, आप लोग चुप बैठे हुए हैं, ऐसा क्यों? जितने भी बाबा साहब के विरोधी लोग हैं वो बाबा साहब के अगेंस्ट में और मूर्ति तोड़ने का काम किया जा रहा है। हाँ, बाबा साहब वो विचारधारा के थे कि पूरे मानव के लिए एक सम्मान, चार के लिए काम किए हैं, एक जाति व्यक्तिगत काम नहीं किए हैं, सभी को साथ लेकर चलने का काम करने का काम किए हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए, और क्या बोल रहे? ये कह रहे हैं वो कौन लोग हैं जिनको बाबा साहब से चिढ़ मची हुई है? चिड़ मनुवादी लोग का। चिराग पासवान को जानते हैं ना? चिराग पासवान के जानते। कौन है वो? चिराग पासवान क्या है, आपके नेता है ना? हम लोग के नेता रहते थे, यहाँ पहुँचते नहीं। पासवान समुदाय के नेता है, दलित समुदाय के समुदाय था, लेकिन यहाँ पहुँचने का काम आपके लोगों के सामने अगर चिराग पासवान के नाम बारे में कुछ कह देंगे ना, लोग गोली मार देंगे आपके, पता है? चिराग पासवान के बारे में निगेटिव कैसे बोल दिए आप? कैसे निगेटिव नहीं बोले, यहाँ पहुँचने का, पटना में रहने वाले हम दलितों के नेता है, यहाँ पे नहीं है चिराग पासवान? कहाँ तक पहुँचे? क्यों नहीं आया, वही जानना चाहते हैं आप? यार पहुँचे नहीं के तो उनको क्यों दलितों के नाम पर रोटी सेकते हैं चिराग पासवान? दलित के नाम पर रोटी सेको? दलित नहीं ना है, आप नेता मानते हैं ना? बीजेपी के ना है, एकदम बीजेपी के हैं। बात कर रहे हैं आप? बीजेपी के एजेंट ना है वो, तो मौसम विभाग है, जहाँ मन रहेगा वहाँ उनको कुर्सी चाहिए, वो दलित को शोषित को बचाने के लिए नहीं है। तो कह रहे हैं हम दलितों का नेतृत्व कर रहे हैं, दलित के नेता है, हम भी एक हैं जो एक्सीडेंट हुए, अभी अस्पताल में जाकर के देखिए कि एक बेड के लिए लोग हिचकता है, कितने को जान चला गया मेरे सामने,
मेरे सामने, मैं 12 फरवरी का एक्सीडेंट किया हूँ, संत रविदास जयंती मना रहा था मुड़ियामा गांव में, उस दिन एक्सीडेंट किए। कितने लोग नेता है जो जाकर के वहाँ दलित को जो लोग पहुँचता है, एक दिन भी, हम एक महीना एडमिट रहे हैं, लेकिन एक महीना के अंदर में एक भी नेता जो दलित है जो पहुँचता है वहाँ अस्पताल में। क्या ये लोग सिर्फ दलितों के नाम पर रोटी सकते हैं? दलित के नाम पर और सुरक्षित सीट पर जाकर के बाबा साहब नहीं बनाए, तभी जाकर के वो दलित के वोट पर और सुरक्षित सीट पर जाकर वहाँ पर मुख्यमंत्री के दावेदार हैं बिहार में, पता है ना आपको? नहीं, ऐसे हाथ दावा से बोल रहे हैं तो कैसे तेजस्वी को छोड़ के दूसरा कोई बन जाएंगे? मुख्यमंत्री के दावेदार हैं कहाँ से? वो बीजेपी बनेगा चाहिए, बीजेपी का यहाँ असर दिखाई नहीं दे रहा है, वो राष्ट्रवादी अथी हिंदूवाद बनाते रहे यहाँ बनने की बात। चिराग पासवान को जानते हैं ना? हाँ जानते हैं सर, मुख्यमंत्री की दावेदारी है बिहार में। हाँ ऐसा तो बात है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। हो नहीं सकता नहीं। नहीं। दलितों का नेतृत्व तो करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। दलित का नेता है, कहा नेता तो सबको जान ही रहा है, देख ही रहा है कि दलित के नेता है सर। क्यों मतलब दलितों के साथ चिराग पासवान खड़ी क्यों नहीं नजर आ रहा? नहीं ना सर, ऐसा कर्वे नहीं करते, वो बीजेपी का एजेंट है सर, बीजेपी का नेता है ये। बीजेपी का नेता है। कौन सा एजेंट है बीजेपी का? चिराग पासवान है, और क्या है सर? क्या नाम पड़ा सर आपका? धर्मवीर दास है सर। धर्मवीर दास जी, यहीं के हैं आप लोकल ही? हाँ हम लोग सरासत से ही है, बगल से हैं। मूर्ति तोड़ा गया था, कुछ मालूम है आपको? मूर्ति तोड़ा गया बस यही मालूम है, कौन तोड़ा ये तो नहीं मालूम। ये नहीं मालूम है, ठीक है। चिराग पासवान को जानते हैं ना? हाँ जानते हैं। दलितों का नेतृत्व करते हैं वो? वो सब अफवाह में दलित का नेतृत्व करते हैं, दिखावा। सिर्फ दिखावापन है। क्या किया दलित के लिए? दलित को हक भी छीन लिए, क्या किया दलितों के लिए? वो आप भी बतलाइए थोड़ा सा, दलित को मिला हुआ जगह वो भी छीन लिए तो फिर कैसे दलित के हक हक छीन रहे क्या? चिराग नहीं कैसे छीने, जो जो पासवान समाज दलित में था वो भी छीन लिया तो नहीं कैसे छीने, तो दलित के आड़ में तकलीफ। पासवान था लेकिन पासवान को तो वो अपने नियर अमीर बना दिए, यहाँ भूखे मर रहा है। पासवान भूखे मर रहा है तो पासवान हमको बड़का बना दिया ना, जो अपने नियर बड़का बना दिए हैं, वो अपने नियर बड़का बने, सब पासवान बड़के नहीं ना है, दलित से महादलित कर दिए और वो हमें दो भाग बांट दिए, महादलित और दलित है। चिराग पासवान को जानते हैं क्या? जानते तो है सर, जानते हैं। अच्छे से नहीं जानते हैं लग रहा है? नहीं। चिराग पासवान? हाँ जान रहे हैं। दलितों का नेता? जान रहे हैं सर। वोट वोट देंगे उनको? हाँ सर देंगे। उनका यहाँ पे मिलने आए थे आपसे? यहाँ वो तो अभी कहाँ मिले हैं, तो फिर कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपसे और टाइम मिलने आएंगे वो? चिराग पासवान अभी तो मैंने हमेशा मैंने उनका फैन है कि मैंने नेता बन सकें, मगर उनका भी मिले नहीं है, मिलना चाहते हैं। चलिए चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप तो पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।